हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू अ चैनल सनी स्केयर। माय सेल्फ आपको सनी फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका चैनल सनी स्केयर में। तो आज बहुत दिनों के बाद फिर से हमारे चैनल से एक लाजवाब एक बेहतरीन डॉग ब्रीड के बारे में हम डिस्कस करने वाले, पूरा जानकारी देंगे आपको, पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे उस डॉग ब्रीड के बारे में। और वो डॉग ब्रीड है नन अदर देन चाओ चाओ। ये नाम आप बहुत लोगों ने सुना है और बहुत लोगों का एक पसंद भी है ये डॉग ब्रीड खरीदने का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं चाओ चाओ के ब्रीड में ईच एंड एवरी पॉइंट इस चाओ चाओ ब्रीड के बारे में हम। तो गाइस वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज जो लोग चाओ चाओ लवर है या फिर चाओ चाओ के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है तो प्लीज वीडियो में बने रहिए और वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। और तो चलिए बातें कम और काम ज्यादा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस चाओ चाओ डॉग ब्रीड के। तो गाइस देखिए, अभी चाओ चाओ का जो ट्रेंड है वो इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। मतलब अभी बहुत लोग ये चाओ चाओ घर में रखना पसंद करते हैं या फिर बहुत लोग रखने का सोच भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि इस डॉग ब्रीड में ऐसा क्या है तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, जैसे मैं एक एक क्वालिटी और इसका खासियत बताऊंगा ना इस डॉग ब्रीड के बारे में, आप भी एक चाओ चाओ लवर जरूर बन जाएंगे। तो प्लीज मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इस चाओ चाओ डॉग ब्रीड के बारे में, ठीक है। तो ये चाओ चाओ जो डॉग ब्रीड है, आई थिंक आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि ये कहाँ का ब्रीड है। हाँ, ये चाइना का ब्रीड है, ये बिलोंग करते हैं नॉर्थन पार्ट ऑफ चाइना से, ठीक है। और ये एक छोटा ब्रीड होता है, मतलब छोटू सा ब्रीड होता है, ये ना तो स्टैंडर्ड साइज या ना तो जायंट में आता है, ये आता है छोटा सा, ठीक है। मतलब स्मॉल कैटेगरी में ये पड़ता है चाओ चाओ, ठीक है। और इसका जो हेड साइज होता है, ठीक है, इसका हेड साइज जो है वो अपने शरीर के तुलना में बड़ा होता है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और क्यों लगता है मैं धीरे धीरे बोलूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये चाओ चाओ जो डॉग ब्रीड है, ये बहुत ही, मतलब इसका अगर टेम्परमेंट के ऊपर बात की जाए तो ये बहुत ही फैमिलियर डॉग ब्रीड है, ठीक है। और एक मतलब अच्छा गार्डिंग डॉग तो मैं नहीं बोलूंगा, पर एक अलर्टिंग डॉग है। मतलब मान लीजिए आपके घर में कोई स्ट्रेंजर आ रहा है तो ये आपको तुरंत अलर्ट कर देगा कि हाँ कोई आया है। तो ये बहुत अच्छा फेमिलियर डॉग ब्रीड है और बहुत अलर्ट डॉग ब्रीड है, ठीक है। और एक बात इसमें दिक्कत आती है कि ये लोगों के साथ थोड़ा घुल मिल जाने में टाइम लगता है। मतलब ये जिस परिवार में बड़ा हुआ है उसके साथ तो ये फेमिलियर है, पर मान लीजिए आपका बाहर से कोई मेहमान आ रहा है और वो उसको सहलाना फुसलाना चाहता है पर वो उसके पास नहीं जाना चाहता है, ठीक है। पर इसके लिए भी इलाज है, आप उसको छोटे से उसको सोशलाइज कीजिए, लोगों के साथ मिलाइए, घर में बंद करके मत रखिएगा। लोगों के साथ जितना मिलाएंगे वो उतना सोशलाइज होगा डॉग, और वो लोगों के साथ उतना फेमिलियर होगा और लोगों के साथ उतना ज्यादा एडजस्टेबल होगा और मना लेगा लोगों के साथ, ठीक है। तो ये है चाओ चाओ डॉग ब्रीड का क्या बोले टेम्परमेंट, ठीक है। अभी जान लेते हैं कि अगर चाओ चाओ ब्रीड लेना चाहते हैं आप तो कैसे पहचानेंगे एक प्योर ब्रीड चाओ चाओ को, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ताकि अगर आप फ्यूचर में एक चाओ चाओ लेना चाहते हैं या फिर अभी कुछ दिनों में आप चाओ चाओ लेने का सोच रहे हैं तो आप जान लीजिए ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ स्पेशल क्वालिटी चाओ चाओ के बारे में जो चाओ चाओ को स्पेशल बनाता है अदर डॉग से, ठीक है। ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके और आपको एक प्योर ब्रीड चाओ चाओ पहचानने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। अच्छा, अभी बात ऐसा है कि चाओ चाओ अदर डॉग ब्रीड से कौन सी एंगल में स्पेशल है या फिर किस कैटेगरी में स्पेशल है, अलग है। हाँ, आपने शेर देखा होगा और शेर का जो अयाल होता है ना वो ही उसका खासियत होता है, ये तो आप सभी को पता है। ठीक उसी तरह शेर का जैसा अयाल होता है, हमारा चाओ चाओ डॉग ब्रीड का भी ना एक अयाल टाइप का बना होता है। उसके सिर से लेकर नेक तक एक राउंड शेप का एक बड़ा बाल का लेयर होता है जो उसे अदर डॉग ब्रीड से अलग और उसे अपने आप में एक स्पेशल लुक लाता है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत लोग चाओ चाओ को लाइन हेडेड भी कहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, उसका नाम जो है चाओ चाओ ही होता है। ऐसा नहीं कि कुछ नॉर्मल चाओ चाओ भी आता है, नहीं, एक ही चाओ चाओ आता है, वो उसका इस मेन टाइप का जो मतलब अयाल टाइप का जो बना होता है ना उसी की वजह से इसका नाम बहुत लोग बोलते हैं लाइन हेडेड चाओ चाओ, ठीक है। अच्छा, ये क्या एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट चाओ चाओ का, इसके अलावा पूरा बॉडी में डबल कोट बाल होता है। डबल कोट क्या है अगर आपको जाना है तो हमारे पिछले कुछ वीडियो में हमने बहुत बार डिस्कस किया। अच्छा, फिर भी मैं आपको बता दूं डबल कोट पहचानने का तरीका, ठीक है। अब जब पप्पी अवस्था में चाओ चाओ खरीदने जाते हो या फिर कोई भी डबल कोट वाला डॉग आपको अगर सेलर बोल रहा है कि ये डबल कोट है, कैसे पहचानेंगे, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, देख लीजिए। उसको ऐसे पकड़ना, पेट की मतलब पेट उसका आपके हाथ के ऊपर रखना और उसका पीठ के ऊपर आप जस्ट अपना हाथ ऐसे फैलाना और देखना कि आपका जो हाथ के उंगलियां है वो उसके बाल में छिप जा रहे हैं। इतना बड़े वाल वाला, सॉरी, इसको एक बात कह सकते हैं घने वाल वाला डॉग, ठीक है। तो डबल कोट मतलब ऐसा आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या डबल कोट चाओ चाओ एक डबल कोट डॉग ब्रीड है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखिए उसका ईयर्स, अगर देखिए उसका ईयर में एक स्पेशलिटी है, उसका ईयर्स जो है वो बचपन से मतलब छोटे अवस्था में वो इरेक्ट हो जाते हैं एकदम ऊपर की ओर, मतलब खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो बहुत सारे डॉग ब्रीड का आता है, जैसे जर्मन शेपर्ड का आता है या फिर बहुत सारे डॉग ब्रीड्स का आता है, ठीक है। रुकिए,
तो अभी देखिए क्या है कि ये इरेक्ट तो होता ही है, पर इसका जो स्पेशलिटी है वो है कि इसका ईयर इरेक्ट तो होता है पर एज में जाके ना वो नुकीला नहीं होता है। जैसे कि हमारा देसी कुत्तों का क्या होता है, वो ऊपर जाके नुकीला हो जाता है। जर्मन शेफर्ड के क्या होता है, ऊपर जाके नुकीला हो जाता है। वैसा नुकीला नहीं होता है, इनका क्या होता है, ऊपर जाके राउंड शेफर्ड हो जाता है। मतलब ऊपर इरेक्ट तो होता है पर वो राउंड शेफर्ड होता है। बहुत बार क्या होता है, डॉग ब्रीडर्स क्या करते हैं, आपको स्पिट्स को भी चाव चाव या फिर पोमेरियन को भी चाव चाव बोल के दे देते हैं। जो लोग पहली बार होते हैं उनको लगता है हाँ यही चाव चाव है, पर मान लीजिए मतलब या फिर सुन लीजिए, चाव चाव का ईयर जो कभी भी इरेक्ट तो होता है पर उसका ईयर कभी भी एज में जाके पॉइंटेड या फिर पॉइंटेड नहीं होता है, वो राउंड शेपेड होता है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट, चाव चाव का जो आईज होता है वो नाइदर गोल या फिर नाई और कुछ शेपेड का होता है। वो एक बार लगभग लगभग आलमंड बादाम आपने देखा है, उस आलमंड बादाम की और मतलब तरह दिखता है। ठीक है, मतलब आलमंड शेपेड आईज होता है एक चाव चाव का। ठीक है, वो चाहे वो पप्पी अवस्था में हो या फिर बड़ा चाव चाव हो, आलमंड आईज होता है और बहुत सुंदर सुंदर आईज होता है, बहुत क्यूट लगता है उसका आईज। ठीक है, आप लोग अगर देखे हो चाव चाव या फिर आपको दिखा देते हैं इमेज में, ये देख लीजिए, उसका कान देख लीजिए राउंड से पेट है और आईज देख लीजिए लगभग लगभग आलमंड से पेट का है ना। ठीक है, अच्छा तो अभी जान लेते हैं इस चाव चाव डॉग ब्रीड कौन कौन सा कलर में आता है, क्योंकि ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार मिक्स या क्रॉस ब्रीड दे देते हैं आपको, मतलब उसमें क्या होता है मिक्स कलर आता है, पर ये जान लीजिए चाव चाव कभी भी मिक्स कलर में आता नहीं है, वो सिंगल कलर डॉग ब्रीड है। ठीक है, मतलब उसके बॉडी में जो कलर है वो वही कलर रहेगा, उसके साथ साथ और कुछ कलर रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला कलर जो आता है वो है फॉन, जो कि बहुत चल रहा है, क्योंकि आप देख लीजिए कि शेर का जो कलर है वो बेसिकली फॉन होता है, तो ज्यादातर लोग ये फॉन कलर प्रेफर करते हैं कि ताकि आपको लगे कि आपके घर में छोटा मोटा बब्बर शेर चल रहा है, इसलिए फोन कलर ज्यादा चलता है। इसके अलावा आता है क्रीम कलर, आता है रेड में भी आता है, रेड का डिफरेंट शेड आता है, डार्क से लाइट से आता है, ब्लैक में एकदम जेड ब्लैक में आता है, या फिर लाइट या फिर ब्लैक का भी डिफरेंट शेड आता है, या फिर ब्लू कलर में भी चाउचो अवेलेबल। अभी ब्लू मतलब बहुत लोग, अभी देखिए ब्लू मतलब बहुत लोग सोच लेते हैं कि डार्क या मैं सॉरी या स्काई ब्लू या फिर जो भी ब्लू आता है, वो ऐसा ब्लू नहीं है। हमारा ब्रीडिंग लाइन में ब्लू मतलब ग्रे, आप जिसको ग्रे कहते हैं हम उसको ब्लू कलर कहते हैं। ठीक है, तो चाउचो ये सिर्फ मतलब ये कुछ कलर ब्रीड के अलावा, कलर शेड के अलावा और किसी कलर में आता नहीं है। ठीक है, तो गाइज पूरा सब कुछ डिस्कस कर लिया चाउचो के बारे में। वेरी सॉरी गाइज फॉर द इंटरप्शन, पर एक्चुअली मैं वीडियो बनाते टाइम एक पॉइंट में मिस आउट कर गया था, इसलिए मैं वॉइस ओवर में आपको बता दे रहा हूँ। ये पॉइंट जो ना ये लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देता है एक चाव चाव लेने के टाइम में या फिर परचेस करने के टाइम में। तो गाइज ये पॉइंट ऐसा है कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो डॉग है इसका जीभ जो है पर्पल कलर या फिर ब्लू कलर या फिर वायलेट कलर आप कह सकते हैं। तो बहुत बार लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ये क्यों है, ये क्या कुछ बीमारी है? तो जी ना गाइज, ये कोई बीमारी नहीं है। चाव चाव का जीभ नेचुरली ऐसा बहुत बार होता है, मतलब चाव चाव का कलर बहुत कम ऐसा होता है कि उनका जीभ का कलर पिंक या फिर स्किन कलर का हो, उनका जीभ का कलर ज़्यादातर टाइम वायलेट कलर ही होता है। तो गाइज मैं ये कंफर्म कर दूँ, चाव चाव का जो जीभ होता है वो ज़्यादातर टाइम वायलेट होता है, ये कोई भी बीमारी नहीं है। पर इसका रीज़न क्या है ये एक्चुअली मुझे पता नहीं है, पर आप लोग निश्चिंत हो जाइए, ये कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, थैंक यू गाइस। वीडियो में हमने उसका ओरिजिन जाना, वो किस शेप में आता है, मतलब स्मॉल जायंट या फिर किस में आता है, हमने बोला कि स्मॉल ब्रीड है वो, उसके बॉडी शेप के ऊपर जाना, कोट के ऊपर जाना, उसके स्पेशल जो लुक्स है उसके बारे में जाना, उसके अलावा उसके कुछ कुछ केयर होते हैं, उसके टेम्परमेंट के ऊपर हमने जाना। अच्छा केयर, केयर हमने डिस्कस नहीं, केयर अगर बोले जाए तो डबल कोट बाल है तो आपको थोड़ा केयर तो करना ही पड़ेगा, उसको कॉम्बिंग करना मतलब कॉम्बिंग करते रहना पड़ेगा डेली, उसको नहलाना पड़ेगा आपको, उसके बालों का मतलब उसको ज्यादा केयर रखता है। अगर आप एक अच्छा लुक वाला चाचा लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप अच्छा लुक वाला चाचा लेना चाहते हैं तो आपको उसको उसके बालों का जो केयर है उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उसका डाइट का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी उसका डाइट क्या होगा वो मैंने बोलूंगा, वो कोई अगर आपके वेटरनरी डॉक्टर है उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से बताएगा। ठीक है, मैं यही सब बोलूंगा कि एक चाव चाव का जो डाइट होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका बाल भी अच्छा रहे और वो हेल्दी रहे। ठीक है, अच्छा हमने अभी केयर भी कर लिया, कलर भी कर लिया, तो यही कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई फ्रॉड भी नहीं करेगा, और आप अगर एक चाव चाव ओनर है या फिर चाव चाव लेने का सोच रहे तो आप एक चाव चाव को अच्छे तरीके से पाल भी सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोलूंगा, अगर आप एक चाव चाव लेते हैं तो प्लीज उसे छोटे से ही उसको सोशलाइज करना शुरू करिए, ताकि वो ज्यादा फेमिलियर हो, सबके साथ एडजस्ट करना सीख जाए। इसके अलावा चाव चाव एक बहुत अच्छा ब्रीड है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही क्यूट सा ब्रीड है, आप प्लीज अगर एक चाव चाव लेते हैं। अच्छा अभी एक बात,
चाओचाओ के प्राइस के ऊपर अगर हम डिस्कस कर जाए तो चले प्राइस अगर हम जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेना तो है पर उसके पहले दाम भी जाना तो बहुत जरूरी है ना, तो चले प्राइस जान लेते हैं। अच्छा अभी देखिए इसका प्राइस की अगर बात करें तो चाओचाओ थोड़ा सा महंगा आता है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है उसके पेट क्वालिटी या सो क्वालिटी होने पर। अच्छा अभी एक पेट क्वालिटी या सो क्वालिटी क्या है अगर आपको पता नहीं है तो फिलहाल के लिए आप छोड़ दीजिए, मैं और किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा कि डॉग ब्रीड में ये पेट क्वालिटी और सो क्वालिटी कैसे होता है और इसके ऊपर कैसे दाम या प्राइस वेरी कर जाता है। सॉरी तो देखिए जो पेट क्वालिटी वाला चाव चाव आता है वो आता है 30 to 50,000, अराउंड 30 to 50,000 के अंदर आपको चाव चाव मिल जाएगा, ठीक है, पेट क्वालिटी का। अगर आप सो क्वालिटी विथ पेपर्स लेना चाहते हैं, अब ये क्या है मैं बाद में बोलूंगा, ठीक है, अब फिलहाल के लिए आप सुन लीजिए, पेट क्वालिटी विथ पेपर्स अगर आप लेना चाहते हैं तो वो पड़ जाएगा अराउंड 75,000 to 1,20,000 तक जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक एवरेज मैंने बोला, इसके बीच भी प्राइस हो सकता है क्योंकि मैंने ये एवरेज बोला हर एक जगह के ऊपर से, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं है सब जगह का प्राइस क्या है, ठीक है। तो जो पेट क्वालिटी है वो आएगा 30 to 50,000 के अंदर और जो सो क्वालिटी विथ पेपर्स आएगा वो आ जाएगा आपको 75,000 to 1,20,000। ये है चाव चाव का प्राइस। मुझे पता है थोड़ा सा महंगा है पर एक बहुत अच्छा डॉग ब्रीड के लिए आपको थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस यही था कुछ चाव चाव के बारे में इन्फॉर्मेशन। आई गेस कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो चाव चाव के बारे में कलेक्ट करना था वो आपने इसी वीडियो से कलेक्ट कर लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज रह जाता है तो प्लीज कमेंट में बताइए, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा और कुछ डॉग ब्रीड के बारे में जानना है, आप इंटरेस्टेड है, प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा या फिर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके उधर भी आप डीएम कर सकते हो कि भैया मुझे इस डॉग ब्रीड के ऊपर कुछ नॉलेज दे दो या फिर एक वीडियो बनाइए, मैं जरूर बनाऊंगा, जैसे आज का वीडियो बनाया। ये भी आप में से बहुत लोग या फिर मेरे खास दोस्त ने भी मुझे रिक्वेस्टेड किया था, यह आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो है तो इसलिए मैंने बनाया। तो ऐसे ही आप भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर बनाऊंगा आपके लिए इस टॉपिक पर वीडियो, सॉरी इस नहीं उस टॉपिक पर वीडियो जो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो गाइस आप कमेंट करते रहिए और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करते रहिए और लाइक और कमेंट तो आप करते ही है और करते रहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और ये हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं। मेरा हिंदी को थोड़ा जज मत करना, ठीक है, बंगाली होकर हिंदी बोल रहा हूँ वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो क्या है कि आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इस वीडियो का जरूरत है, और आप जाके हमारे चैनल में और पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। हम एनिमल्स के लिए काम करते हैं, हम एनिमल वेलफेयर, एनिमल केयर या फिर पेट केयर के ऊपर भी हम वीडियो लाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातों के साथ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को ढेर सारा जगह शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सब तक हम पहुंच सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, लव यू ऑल।